आसमान की बुलंदियों को छू जाए ऐसी काबिलियत हर किसी में नहीं होती, पर कुछ शख्सियत ऐसी होती हैं जिन्हें आसमान की बुलंदियां भी सलाम करती हैं। नमस्कार, मैं अनिल अग्रवाल आपके सवाल कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ है विश्व की ऐसी शख्सियत जिनका परिचय देने के लिए हमारे पास शब्द सीमित है, लेकिन इनकी काबिलियत बहुत है। अगर दानवीरों में बात करते हैं तो विश्व में नंबर वन अग्रणी है, और इनकी इतना ही नहीं 270 कंपनियां करीब ऑल ओवर वर्ल्ड चल रही है। ये है यूएई के शेख डॉक्टर बू अब्दुल्ला। शेख साहब, बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, आपने अपना विश कीमती समय में दिया। शेख साहब, मैं जानना चाहता हूँ आप आज जिस मुकाम पर है वो किसी का भी सपना हो सकता है, तो आप इस अपनी कामयाबी को खुदा की देन मानते हैं या अपनी उपलब्धि? इसमें कोई शक नहीं है, खुदा का देन ही है। खुदा की दायरे में ही रहना हमारे लिए आगे फ्यूचर के लिए कितनी भी कदम है उसकी मेहरबानी रहेगा। शेख साहब, आपको तमाम तरह के अवार्डों से नवाजा गया है, उसके बाद भी आपके व्यवहार में इतनी सरलता होना क्या आश्चर्य की बात नहीं है, ये आप कैसे कर पाते हैं? हाँ, लोग कहते हैं, मैं इस चीज़ को मानता हूँ, सक्सेस कामयाबी ये लोग की दुआ से होता है, खुदा की मेहरबानी के ऊपर। तो मैं मानता हूँ मैं उस चीज़ में दायरे में रहूँ, उस दायरे के बाहर मेरे लिए कोई जगह नहीं है। शेख साहब, आपको भारतीय फिल्मों में खासी अच्छी रुचि है, कई अवार्ड फंक्शनों में आप सम्मिलित होते हैं, अपना समय देते हैं, तो क्या आप एक्टिंग का भी कोई शौक रखते हैं? हाँ, मैं काफ़ी बचपन से मूवी देखा है, मेरे काफ़ी अच्छे फेवरेट हीरो है, हीरोइन है, वो मेरे छोटी ख्वाहिश है, वो मैं अपना ख्वाहिश को आगे थोड़ा बढ़ाऊँ, को आगे आगे इंशाल्लाह तुमको अच्छे न्यूज़ भी मिलेंगे। शेख साहब, आपने जीवन बहुत सारी उपलब्धि हासिल की है, कई सपने साकार किए, तो क्या अभी भी कोई ऐसा सपना बाकी है जिसे आप अचीव करना चाहते हैं? जैसा कि आपकी रुचि दिखती है मानव जीवन कल्याण के लिए, तो क्या कोई ऐसी आप योजना बना रहे हैं जिससे एक्चुअल में मानव जीवन का कल्याण हो सके? अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी कम टाइम से मैंने काफ़ी चीज़ देखा है अपनी ज़िंदगी में, मुझको लग रहा है मेरे अपने मकसद से अभी तक पहुंचा नहीं हूं, लेकिन मैं इंशाल्लाह तुम लोग की दुआ से मैं आगे भी पहुँचूँगा इंशाल्लाह। फिलहाल मैं अपने कंपनियां में ही फोकस कर रहा हूं, आगे आगे भी अपने कंपनी अपने बिजनेस को ही आगे चलाऊंगा, और मैं सोच रहा हूं मेरे जनरेशन आगे इस चीज़ को चलाने के लिए दो चीज़ में बहुत अहमियत रखेंगे, एक खुदा के रास्ते चलने से, दूसरी बात लोग की अपने सोचने के पहले लोग के बारे में सोचना। आपको गजब का दानवीर भी कहा जाता है, इसके बारे में भी आपको कई उपाधि दी गई है, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं शुक्रगुजार हूँ उन लोग के लिए, उन लोगों ने मुझको इस नाम से नवाजा किया है। मुझको फील हो रहा है मेरे सक्सेस होने के बाद मेरे ऊपर फ़र्ज़ है, मैं वो लोग के लिए, ज़रूरतमंद लोग के लिए मैं हेल्प करूँ, इंशाल्लाह आगे आगे भी करूँगा। शेख साहब, एक व्यक्तिगत सवाल, इतना सब कुछ अचीवमेंट करने के बाद इंसान को, आदमी को क्या सुकून की प्राप्ति हो सकती है? हाँ, सुकून मिलता है, वही खुदा के रास्ते में चलेगा, उसकी बेनिफिट आता है, उसमें रिजल्ट अच्छे आते हैं, क्योंकि इंसान की नीयत होना चाहिए, नीयत साफ होता है कैसे इंसान को सुकून नहीं मिलता है। शेख साहब, हमारे उद्योगपति भाइयों के लिए कोई ऐसी टिप्स देना चाहेंगे जो उनको सफलता के मार्ग में अग्रसर करता रहे, आपके अनुभव के आधार पर हमारे चैनल के माध्यम से समाज के नाम कोई संदेश देना चाहेंगे? मेरी तरफ से सबके लिए चार टिप है, एक खुदा के रास्ता ही अपनाओ, दूसरी हर दिन नया एक्सपीरियंस है उसमें सीखो, तीसरी बात कोई भी काम कोई भी बिजनेस इंसान को अगर शुरू किया उसमें लास्ट उसको नतीजे में ही लेके जाना पड़ेगा, दे लास्ट इंसान को अपनी बातों में हर चीज़ में सीधी ही बात करना है। सबके लिए मेरे तरफ से प्यार, मैं वेलकम कर रहा हूँ सबको, इंडियन भाई बहनों को दुबई में, इनके तुम लोग के अपना सेकंड घर है, हमारा रिलेशन यू इंडिया का ऐसी प्यार और मोहब्बत से कायम रहे, और मैं सबके लिए दुआ भी करता हूँ वो कोरोना से सेफ रहे। शेख साहब, चलते चलते हमारे चैनल आपके सवाल के लिए दो शब्द बोलना चाहेंगे? थैंक यू वेरी मच चैनल के लिए, तुम लोगों ने मुझको इन्वाइट किया, और मैं इस चीज़ की आभारी हूँ, और मेरा फुल सपोर्ट है तुम लोग के साथ, वो आगे आगे ऐसी सक्सेस में रहो, तुम लोग तरक्की करो। थैंक यू अनिल जी, तुम्हारे लिए वो जान के तुमको मुझको बहुत खुशी हो गई, आजकल मैं थोड़ा मैं तुम दूर है, लेकिन इंशाल्लाह मैं तुमको वादा करूँगा कभी भी इंडिया आके मैं तुमसे मिलूँगा, और खुदा तुम्हारे लिए ऐसी उम्र लंबा करें, तुम सेहत में रहो,
वो इसी अच्छे अच्छे काम करें। शेख साहब तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना बेशकीमती समय हमें दिया। हम आशा करते हैं कि आप अपने सपनों को यूं ही साकार करते रहेंगे। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, नमस्कार। ओ थैंक यू, तुम्हारी विशेष के लिए, तुम्हारी दुआ के लिए, थैंक यू सो मच सर।